वैल्यू एंड फेस वैल्यू ठीक है तो बेटा देखो फेस वैल्यू होता है नंबर इट नंबर इट जैसे सेवन की फेस वैल्यू सेवन है एट की फेस वैल्यू बेटा एट होगी क्वेश्चन आ जाए टू नाइन थ्री सिक्स सेवन टू नाइन थ्री सिक्स सेवन में क्वेश्चन आपसे पूछ ले नाइन की फेस वैल्यू क्या होगी इन की बेटा फेस वैल्यू क्या होगी तो नाइन की फेस वैल्यू नाइन ही होगी नंबर इट ठीक है नंबर इट नंबर खुद ही क्या होता है फेस वैल्यू सिक्स की फेस वैल्यू क्या होगी बेटा एफ भी होता है फेस वैल्यू सिक्स की फेस वैल्यू क्या होगी सिक्स होगी बात करते हैं प्लेस की प्लेस बेटा आपने पढ़ रखा है वन टेन से हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वाला वही जैसे यहां लिखा है थ्री सिक्स सेवन एट एंड नाइन ठीक है अब आपसे पूछे बेटा इसके अंदर सिक्स की प्लेस वैल्यू बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स अच्छे से समझना बेटा तो सिक्स कौन से प्लेस पे है वन टेन हंड्रेड थाउजेंड सिक्स कौन से प्लेस पे है बेटा थाउजेंड पे थाउजेंड पे कौन सा नंबर है सिक्स तो सिक्स को थाउजेंड से इंटू कर दो आंसर कितना आएगा सिक्स थाउजेंड तो बेटा आदमी का चेहरा ज्यादा चेंज नहीं होता जगह वो चेंज करते रहता है जगह वो क्या करते रहता है चेंज करते रहता है निर्माण बिल्कुल सही है अलग क्वेश्चन ले लो बेटा एक जैसे आ गया नाइन फाइव थ्री टू एट अब आपसे कोई पूछे थ्री की प्लेस वैल्यू बताओ प्लेस वैल्यू जरा बताओ थ्री की प्लेस वैल्यू कौन सी है बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री तो थ्री कौन से प्लेस पे बेटा हंड्रेड प्लेस पे है हंड्रेड पे कौन है थ्री थ्री को हंड्रेड से इंटू कर दो कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड आ जाएगा बस थ्री हंड्रेड बिल्कुल सही है बेटा तो so थ्री की प्लेस वैल्यू कौन सी है भाई फटाफट पट से सर ये वनस है टेंस है हंड्रेड है, 100 है. थ्री हंड्रेड प्लेस पे आ रहा है तो बेटा थ्री को हंड्रेड से इंटू कर दो आंसर कितना आएगा थ्री हंड्रेड तो ये था कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का ठीक है चलो आगे एक फॉर्मूला और है लास्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी बेटा आपके पास ऐसा आ जाए कि वन प्लस टू नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं वन से नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं वन से वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके बेटा एग्जाम में आ गया ट्वेंटी तक के सभी नंबर का क्या करना है सम करना है ठीक है ना सम करना है तो सम ऑफ फर्स्ट देखो बेटा ये जो फर्स्ट लिखा जाता है किसके लिए लिखा जाता है पहले नेचुरल नंबर के लिए लिखा जाता है फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ठीक है तो बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका एन एन प्लसूला है जहां पे एन का मतलब है कितने नंबर हैं बेटा अभी हो जाएगा इंटीजर और रेशल नंबर है बेटा है लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन ही नहीं आता इनसे कुछ आपका कन्वर्जन ऑफ है नहीं रेशल नंबर क्या होता है वो भी बता दूंगा मैं आपको एन एन प्लस वन बाई टू तो बेटा एन का मतलब है कितने नंबर है तो मेरा क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ नंबर फ्रॉम वन से लेके ट्वेंटी तक तो बेटा कितने नंबर है ट्वेंटी यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी एन की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी लगाओ फॉर्मूले में एन की जगह लिखो बेटा ट्वेंटी इन टू ट्वेंटी प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या कर दो बेटा टू डिवाइडेड बाई क्या कर दो टू कर दो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है तो बेटा ये आएगा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी प्लस वन क्या होता है ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा टू टू से वन टाइम टू से टेन टाइम टेन इंटू ट्वेंटी वन आंसर कितना आएगा बेटा टू वन जीरो दो सौ दस हाँ होल नंबर बेटा जीरो से स्टार्ट होता है फॉर्मूला मत भूलना जैन भाई जैन वन टू ट्वेंटी बिल्कुल अब ये आंसर तो आ गया सर बड़ी वैल्यू आ जाए बेटा बड़ी आए छोटी आए सेम रूल रहेगा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा मेरे को उसका आंसर चाहिए क्वेश्चन आएगा फाइंड दी सम ऑफ़ फर्स्ट सिक्सटी नेचुरल नंबर पहले सिक्सटी नेचुरल नंबर का क्या करना है बेटा क्या निकालना है सम फॉर्मूला क्या है आपके पास एन एन प्लस वन अपॉन टू कितने नंबर है बेटा टोटल कितने नंबर है सिक्सटी तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्सटी फटाफट पट से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा ठीक है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सिक्सटी नेचुरल नंबर्स बेटा वन से लेके सिक्सटी तक के सभी नंबर का क्या करना है सम करना है वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके बेटा कहां तक का सम करना है सिक्सटी तक का तो टोटल वन से लेके तक कितने नंबर आते हैं बेटा एन इक्वल टू सिक्सटी तो जिनको समझ में नहीं आया बेटा फॉर्मूला याद करना है एन की वैल्यू सिक्सटी है एन की जगह लगाओ सिक्सटी ब्रैकेट सिक्सटी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इसको सॉल्व करूंगा बेटा क्या आएगा 60 61 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा 2 आएगा अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये गया टू वन या टू टू से कितनी बार गया बेटा 30 टाइम आंसर आएगा आपका 30 इंटू सिक्सटी तो 30 इंटू सिक्सटी कर लीजिए बेटा कितना आएगा 1830 आपका आंसर आ गया आपका आंसर आ गया विवेकानंद इन सही से ही करो बेटा अब कर लो क्वेश्चंस बेटा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं नाइन 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 टू इज डिविजिबल बाय विच नंबर बेटा ये किससे डिवाइड होगा आपका नाइन 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 टू किस से डिवाइड होगा ऑप्शन आपके सामने है क्या ये थ्री से होगा सेवन से होगा एट से, से होगा या नाइन से होगा बेटा थ्री से होगा तो डिजिट का सम कर लो सुषमा बेटा एन की जगह हंड्रेड रख दो बेटा वन से लेके हंड्रेड तक जा रहे हो तो एन की जगह हंड्रेड आ जाएगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड एंड वन डिवाइडेड बाई टू आंसर होगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड प्लस वन डिवाइडेड बाई टू बाकी खुद से सॉल्व कीजिए बेटा देखो नाइन और नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और टू थर्टी एट क्या थर्टी एट थ्री की टेबल में आता है क्या थर्टी एट थ्री की टेबल में आता है नहीं। नहींवन छोड़ दो बेटा सेवन को एक बार के लिए स्किप कर दो एट का रूल देखो लास्ट के तीन डिजिट लास्ट की तीन डिजिट बेटा लास्ट की थ्री डिजिट एट से डिवाइड होनी चाहिए क्या नाइन टू क्या नाइन नाइन्टी टू एट से डिवाइड होता है करके देखते हैं बेटा एट वन 19 एट टू जा सिक्सटीन टू कहां आएगा नीचे एट फोर जा थर्टी टू जीरो आ गया सर 992 8 से डिवाइड हो गया तो बेटा ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा आपका 8 से बेटा 9 से कैसे होगा डिजिट्स का सम आ रहा है डिजिट का सम आ रहा है 38 डिजिट का सम आ रहा है 38 38 थर्टी एट नाइन की टेबल में नहीं आता है 38 एट थ्री की टेबल में भी नहीं आता है तो बेटा थ्री और नाइन तो वैसे भी नहीं है आंसर आएगा एट जो डी दे रहे हैं वीरेंद्र कुमार तुक्का नहीं मारना बेटा या तो नाइन की टेबल नहीं आती या तुक्का मार रहे हो आंसर आएगा सी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लिमिटेड क्वेश्चन है बेटा बारिश बहुत तेज हो रही है ल, नेट चला जाए उससे पहले क्वेश्चन कर लो ऐसा कौन सा नंबर है जो बेटा टू और फाइव दोनों से डिवाइड होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविज बाय बोथ टू एंड फाइव ये बेटा सब प्लस में है माइनस नहीं है ना ये डॉट है पहला है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है ट्वेंटी वन थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो टू और फाइव दोनों से डिवाइड होता है तो बेटा टू से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो जीरो होना चाहिए टू होना चाहिए फोर होना चाहिए सिक्स होना चाहिए और एट होना चाहिए तो बेटा देखो टू से ये तो डिवाइड होगा नहीं ना टू से ये डिवाइड होगा दोनों डिवाइड नहीं हो रहे सर टू यहां पर डिवाइड हो रहा है बेटा थर्टी सिक्स टू से डिवाइड हो रहा है लेकिन थर्टी सिक्स फाइव से डिवाइड नहीं होता है तो सर ये भी नहीं है आंसर क्या आएगा थर्टी थर्टी सर टू से भी डिवाइड होता है और थर्टी फाइव से भी डिवाइड होता है तो आंसर यहां पे क्या आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी ही आएगा वेरी गुड वेरी गुड ये चैट रेड आगे बढ़ते रहो राइट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एट थ्री जीरो वन सबसे छोटे चार डिजिट का नंबर लिखो बेटा इन चार डिजिट को यूज करके स्पीड में स्पीड में अब स्पीड चाहिए मेरे को क्वेश्चंस करवा रहा हूं स्पीड में होने चाहिए सही है बेटा सुमेदा जीरो से स्टार्ट कर नहीं सकते जीरो से स्टार्ट करोगे तो थ्री डिजिट का नंबर हो जाएगा ये कौन था जिसने तीन नंबर लिखा है कोई तो था जिसने सी आंसर दिया है तो बेटा देखो जीरो ले नहीं सकते तो वन आएगा वन के बाद जीरो आएगा फिर थ्री आएगा एट आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली राइट आंसर किसी गधे ने तीन भी दिया था किसी गधे ने ये भी दिया था अब है कौन मेरे को दिखा नहीं वो चैट रेड चली गई चैट सेवन भी नाम नहीं लेता अयान दोबारा ये मैसेज नीचे मेरे को जो गलत होता है मैं उसका नाम लेता हूँ कि बेड़ा आंसर सुधार लेना ठीक है ना सर की कोई दुश्मनी नहीं है कि मेरा नाम नहीं लेते ये नाम वाला कॉमेंट तो चाहिए ही नहीं पहले सबका नाम लेता था अब सबका बंद कर दिया लेना ही इसी वजह से एक कल हो तो बाकी रोना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा नाम नहीं लेते अगला आ जाओ फाइंड द डिविडेंट कल याद कराया था बेटा फॉर्मूला डिविडेंट क्या होता है एन आपको निकालना है एन रिमाइंडर इज वन आर इज वन डिविजर इज थ्री डी इज थ्री एंड क्वेश्चन क्यू इज थर्टी वन तो बेटा डिविडेंट निकालना है एन एन का फॉर्मूला क्या था बेटा फॉर्मूला लिख देता हूं याद रख लेना इसको भूलना मत बार बार डिजर इंटू क्वेश्चन पहले इंटू करेंगे बॉर्ड मास कहता है फिर उसमें रिमाइंडर को एड कर दो सॉल्व करो आंसर चाहिए भाई टैट जो 149 चल रही है ना कम नहीं होनी चाहिए इसी स्पीड में आंसर आनी चाहिए मेरे पास 44 तो ऑप्शन में 95। फाइव निर्वय क्या करोगे तुम डी कितना है भाई 3 Q कितना है 31 R कितना है वन यह आता है बेटा 93 थ्री प्लस वन कर दो कितना आ जाएगा 94 फोर आंसर हो गया कीबोर्ड प्रॉब्लम कोई ना बेटा हम भावनाओं को समझ के चिंता मत करो कीबोर्ड प्रॉब्लम हा भाई हैश की जगह क्या आएगा बेटा टू थ्री फाइव सिक्स सेवन बेटा हैश की जगह एक्स मान लो वाई मान लो जेड मान लो ए मान लो कुछ भी मान लो और क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब ये ग्यारह से डिवाइड होता है ग्यारह का रूल क्या होता है बेटा एक छोड़ के एक तो एक काम करो हैश की जगह मैं क्या मान रहा हूं बेटा एक्स मान रहा हूं एक्स मानू चलो वाई मान लेते हैं हमेशा एक्स तो मानते ही है आज वाई मान लेते हैं ऑल्टरनेट नंबर्स को बेटा ऐड करो दो में पांच को जोड़ो पांच में वाई को जोड़ो वाई में बेटा सात आएगा दूसरे ऑल्टरनेट नंबर क्या होंगे बेटा तीन के बाद छह के बाद सात यही तो रूल था वेग बेटा मैं तुमको ब्लॉक कर रहा हूं हाल फिलहाल के लिए पेरेंट्स से बात करवाना मेरी आज ओके चलिए और कोई को पढ़ाई के टाइम में मस्ती सूझ रही है बता दो हो गया हो ब्लॉक चुका है चलिए भाई तो बेटा आपको इलेवन का रूल याद है माइनस करने पे क्या आना चाहिए या तो जीरो या इलेवन सी ऑप्शन है तो भाई जोड़ो सर टू प्लस फाइव प्लस वाई प्लस सेवन और वहां पे क्या आ रहा है बेटा थ्री प्लस सिक्स प्लस सेवन इलेवन का रूल है ना ये तो है नंबर्स को ऐड करके माइनस करना होता है तो एक बात बताओ इन दोनों को माइनस करना है बेटा आंसर क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए आंसर क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए इलेवन तो, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकता हूं तो एक फटाफट से बताओ यहां पे बेटा सिक्सटीन है यहाँ पे भी 16 होना चाहिए तो 16 होने के लिए y की जगह क्या रखेंगे गलतियां हुई गलतियां हुई हाय 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 बेटा देखो या तो सिक्स जीरो आना चाहिए माइनस करने पे या माइनस करने पे बेटा क्या आना चाहिए इलेवन आना चाहिए ग्यारह का तो सवाल ही नहीं उठता बेटा ग्यारह का तो सवाल ही नहीं उठता तो फोर्टीन में क्या ऐड कि सिक्सटीन हो जाए तो आप बोलोगे सर बाई की जगह टू रख दो फोर्टीन और टू 16, 16 माइनस सिक्सटीन क्या आएगा जीरो जीरो आ रहा तो किससे डिवाइड होगा इलेवन से डिवाइड होगा तो बेटा वाई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास टू आ रही है ऑप्शन नंबर सी 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 ना ना बेटा अनिरुद्ध ए नहीं ए नहीं बेटा सी आएगा ना तो ए आएगा ना बी आएगा सीधा सी ही आएगा ऑप्शन रख के देख लो ना यार ऑप्शन रख के देख लो द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू सिक्स सेवन जीरो नाइन टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नाइन कह रहा है बेटा इसके अंदर लीस्ट सबसे छोटा क्या नंबर एड करूं कि ये हमारा नौ से डिवाइड हो जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं कह रहे हैं बेटा सिक्स सेवन जीरो नाइन के अंदर आप इसको मैं ऐसा क्या ऐड करें कि ये किससे डिवाइड हो जाए नाइन से डिवाइड हो जाए तो नाइन का डिविजिबिलिटी रूल याद है नाइन का डिविजिबिलिटी रूल याद है आओ भाई ऐड करो बेटा सिक्स प्लस सेवन प्लस जीरो प्लस नाइन अभी क्या ये नाइन से डिवाइड हो रहा है पहले ऐड करो बेटा सबको नाइन और सिक्स और six, 13. 13 और नाइन कितना आ रहा है बेटा ट्वेंटी टू एक बात बताओ ट्वेंटी टू के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि बेटा ये वाला नंबर मेरा नाइन से डिवाइड हो जाए तो नाइन की टेबल आती है नाइन वन जा नाइन नाइन टू जा एटीन 9, 30, 27. तो बेटा अगर 9 से होना है 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 तो तो इन दोनों का सम कितना आना 27 आना चाहिए चाहिए क्योंकि में में क्या आता है? 27 आता है. तो एक बात बताओ 22 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि बेटा ट्वेंटी सेवन आ जाए तो आप बोलो सर ट्वेंटी टू के अंदर अगर आप फाइव ऐड करते हो तो ट्वेंटी सेवन आएगा और ट्वेंटी सेवन किससे डिवाइड हो रहा है नाइन से नाइन से थ्री टाइम हो गया तो बेटा आपने क्या ऐड किया एक्स की जगह एक्स की जगह हमने फाइव एड किया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा प्रीवियस क्वेश्चन है पेपर का लेवल बहुत सिंपल आता है ज्यादा लोड नहीं लेने का आगे आंसर आपका यहां ऑप्शन लॉक किया जाए लॉक कर दिया है पूरे दस पैसे का दस पैसा मिलेगा राइट द अरेबिक न्यूमरियल फॉर्म ऑफ हाँ भाई एम एम सी डी एक्स एल वी को में बेटा अरेबिक नंबर क्या होते हैं इन्हीं को अरेबिक नंबर कहा जाता है बेटा मैंने वो, वो क्वेश्चन तो किसका हो गया बेटा डिफरेंस ट्वेंटी कभी आएगा ही नहीं निर्भय ट्वेंटी टू डिफरेंस कभी नहीं आएगा बेटा करके देख लो दुनिया का कोई भी नंबर उठा दो कोई भी नंबर उठा दो दुनिया का कोई भी नंबर उठा दो आएगा ही नहीं तो बेटा देखो एम क्या होता है थाउजेंड ये सर थाउजेंड है ये भी एम क्या है थाउजेंड थाउजेंड प्लस थाउजेंड क्या हो गया बेटा टू थाउजेंड यहां तक तो सर कोई डाउट ही नहीं है सी डी को देखो बेटा डी होता है फाइव हंड्रेड क्या होता है फाइव हंड्रेड डी होता है बेटा फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड के लेफ्ट में क्या है हंड्रेड फाइव हंड्रेड के लेफ्ट में हंड्रेड आया तो बेटा ये क्या हो गया फोर हंड्रेड सर हो गया फोर हंड्रेड एल होता है 50. 50 के लेफ्ट में बेटा क्या सेवन है? है तो आंसर आएगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अब इसी स्पीड में, तो में चलते रहो चलते रहो तुम इसी स्पीड में चलते रहो तो शांत रखता है ना कि आंसर दिए जा रहे आगे बढ़ते जा रहे अरे सेवेंटी सेवन नहीं बेटा सेवेंटी सेवन नहीं बेटा नहीं फोर्टी सेवन हाँ भाई एक्सएल आई न्यूमरल फॉर्म ऑफ एक्सएल आई सिंपल सा क्वेश्चन है हाँ बेटा चैप्टर बड़ा है सर नंबर सिस्टम चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा बड़ा है पर कोई ना हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हमने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन किए जनता मत करो बाद में करेंगे बेटा अभी सर पढ़ा रहे अभी सर ही पढ़ाएंगे डाउट बॉक्स में भेज दो कर देंगे सर इतना बड़ा वैसे भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता वो चीजें पूछा करो जो तुम्हारे एग्जाम में आती है 50 में से 10 माइनस करोगे 40 आई का मतलब होता है 1 40 प्लस 1 होता है 41 ज्यादा सोचना ही नहीं है चलो 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 चले मित चालवा दो चालवा दो आगे फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ एट बेटा क्वेश्चन कह रहा है ये जो नंबर है ना इस नंबर में एट की प्लेस वैल्यू निकालो पी वी इसकी फेस वैल्यू निकालो एफ बी और इन दोनों को क्या कर दो सम कर दो मतलब ऐड कर दो फिर हो जाओ बेटा फोर्टी वन ये तो अभी सॉल्व किया है वो तो सात्विक है स्वास्थ्य क्या पता नहीं अलग अलग नाम से आता ब्लॉक कर रखा है बेटा होगा क्लास में कहीं होगा दूसरी आईडी से आएगा जाएगा कहा बदतमीज है वैसे भी छोड़ो ना हा भाई तो बेटा एट की प्लेस कौन सी है वंस हंड्रेड सर एट हंड्रेड पे है कौन है एट तो प्लेस वैल्यू आ गई एट हंड्रेड फेस वैल्यू तो बेटा एट ही रहती है क्वेश्चन कह रहा है दोनों का सम कर दो एट हंड्रेड प्लस एट क्या होगा एट ओ एट एट जीरो प्रीवियस ईयर का बेटा ठीक है ना ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है सिंपल क्वेश्चन आता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वाले भूलना मत एट जीरो चलो ठीक है तू तो तू तो ही दिलदार खत्म करो भाई इसको भी खत्म करो भाई ये भी सही बात है इसको भी खत्म करो सेवन की प्लेस वैल्यू क्या आएगी स्पीड में स्पीड में सेवन की प्लेस वैल्यू क्या आएगी बेटा जो थे मैंने कर दिए और मेरे को ये मत भेजा करो कि डाउट के अंदर कि वीकली टेस्ट का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन की फोटो भेजो मेरे को या क्वेश्चन ढंग से लिख के दो एक तो क्वेश्चन ही गलत लिखते हैं मेरे को कहते हैं सर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा अरे भाई क्वेश्चन तो भेजो क्वेश्चन तो भेजो ये क्या क्वेश्चन है ये कोई क्वेश्चन है? है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 121 ट्वेंटी वन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई कुछ भी आ जाएगा ठीक <laughs> है थ्री फोर्थ ऑफ वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर इज एक्स बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक नंबर है उस नंबर का पहले थ्री फोर्थ बेटा थ्री फोर्थ का मतलब होता है थ्री बाई फोर और उसी नंबर का ऑफ का मतलब होता है इन वन फिफ्थ कितना है सिक्सटी है तो वो नंबर क्या है भाई तुमको नहीं पता लेट नंबर बी एक्स कह रहे बेटा एक्स का थ्री बाई फोर थ्री फोर्थ ऑफ का मतलब होता है इन वन फिफ्थ एक नंबर का बेटा थ्री बाई फोर निकालो उसका वन बाई फोर निकालो क्वेश्चन कह रहा है किसके इक्वल है सिक्सटी के इक्वल है यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा एक नंबर थ्री बाई फोर एक नंबर मैंने माना है एक्स क्वेश्चन क्या बाई फोर और उसका वन बाई फाइव क्या है सिक्सटी है तो एक्स निकालना है आपको करो सॉल्व बेटा क्या आएगा ये एक्स इंटू थ्री इंटू वन होगा थ्री फोर फाइव क्या होगा बेटा ट्वेंटी होगा इक्वल्स टू क्या आएगा सिक्सटी कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी को ऊपर ले आओ थ्री को नीचे ले आओ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो सिक्सटी से तो हो गया ट्वेंटी इंटू और थ्री भाई साहब नीचे आगे. 3 3, 3 से गया बेटा ट्वेंटी टाइम आंसर आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी जो मैच होता है ना ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी कितना होता है बेटा फोर हंड्रेड अलीशा बेटा क्वेश्चन कह रहा है थ्री फोर थ्री फोर का मतलब होता है थ्री बाई फोर ऑफ वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर कोई भी एक नंबर मान लो दुनिया का बेटा एक्स कह रहा है उसका अगर मैं थ्री बाई फोर निकालू थ्री बाई फोर निकालू ऑफ का मतलब फिर उसका क्या निकालू बेटा वन फिफ्थ वन फिफ्थ का मतलब होता है वन बाई फाइव तो आंसर क्या आता है सिक्सटी आता है बस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ठीक है थीके? ये तुम लोगों का होमवर्क है और ये तुम अभी सॉल्व करोगे और इसी के साथ चैप्टर खत्म कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ परसेंटेज और क्लास लास्ट में आते आते हल्की सी बफर करना स्टार्ट करगी बेटा एक्सप्लेन कर दिया सर ने अब नेट थोड़ा जाने लगा मैंने कहा था ना नेट जाने से पहले कर लेना सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी फाइव नेचुरल नंबर बेटा फॉर्मूला ये था कितने नंबर है पच्चीस ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कर लो सॉल्व आगे आंसर बफरिंग है खत्म आज के लिए इतना ही वापस हम कल मिलेंगे चलो थैंक यू The School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shari Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of this building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Senate School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 3500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs are a with stories of millions of aspirants across india we are truly in pursuit of excellence we have been working relentlessly since the last two years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of scenic school military school and rinc we have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last five years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green

और फिर हम आगे बढ़ते हुए वैष्णविज्म इस्लाम क्रिश्चियनिटी और पारसी पढ़ेंगे उस दिन जब मैं क्लास ले रही थी मेरे पास पे एक मैसेज बार बार आ रहा था मैम यू आर टॉकिंग अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड दिस एंड दैट वट अबाउट तो चलो मैं आज तुमको बताती हूँ कि हिंदुज्म क्या है ओके okay? बेटा शैव धर्म जो आज हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म वैष्णव धर्म दे आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म क्योंकि हिंदुइज्म में हम लोग जब बात करते हैं तो हम तो अलग अलग जो भी हमारे डाइटीज होते हैं उनको मानते हैं कोई शिव में बिलीव करता है कोई विष्णु में बिलीव करता है मतलब ऑब्वियसली अगर शिव में बिलीव कर रहा है विष्णु में बिलीव कर रहा है तो वो शैविज्म और वैष्णविज्म का पार्ट है कई लोग जो होते हैं वो जो हम बोलते हैं कि जो देवी पूजा है उनमें ज़्यादा बिलीव करते हैं तो बेटा ये सब चीज़ें हमारे बाद में शुरू हुई हैं हम यहां पर अगर हम धर्मों की बात करेंगे तो आपको तो पता ही है कि हमारे देश में धर्म की तो कोई लिमिट ही नहीं है अलग अलग धर्म है इवन वी है ट्राइबल कम्युनिटी में भी बिल्कुल अलग तरीके का धर्म जो है वो फॉलो होता है लेकिन यहां इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एशियन रिलीजन ठीक है तो देखो इस धर्म की पूरी की पूरी यहाँ पे जो मैंने एक पूरा का पूरा इंडेक्स बनाया है इसके अंदर सिखिज्म भी नहीं है क्योंकि सिखिज्म जो है वो बहुत बाद में हमारे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था बिल्कुल विहर्ष में उसी की बात कर रही थी बेटा ओके सृष्टि का बर्थडे है भाई ओहो क्या बात है हैप्पी हारेला पूरे हारेला ओके ओ एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ बेटा कि दिस इज वेरी नाइस की तुम लोग मुझे ये सब चीजें बताते रहते हो कि आज ये है ये है बट मैं इन सब चीजों से तो बहुत दूर है मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि आज के दिन में खास बात क्या है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब क्लास सिक्स में आती हूँ ना तभी मुझे पता चलता है अच्छा तो ये है हम्म बिल्कुल लेकिन सिखिज्म बहुत पुराने धर्मों में नहीं आता बेटा उससे पहले बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे इसलिए वी आर नॉट डिस्कसिंग सिखिज्म इन दिस क्लियर हुआ बच्चा दैर आई होप तुम्हारी जो भी क्वेश्चन एकदम कुल बुलाते हुए आते हैं ना मन के अंदर अरे मैडम ने तो ये बताया नहीं वेर इज इज हिंदुज है ना क्या हम लोग सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे नो दे आर द एंशियंट रिलीजन बेटा ओके okay, वंश चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जैनिज्म को हम लोग इसका बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं आई एम नॉट गोना डिस्कस इट्स अगेन एंड अगेन बिकॉज उससे बेटा हमारी क्लास का टाइम चला जाएगा ओके सो टुडे वी शिव धर्म और शैविज्म सो दैट्स अ पार्ट ऑफ हिंदुइज शैव धर्म क्या है बेटा शैव धर्म में उन लोगों की हम लोग बात करते हैं उनके बिलीव की बात करते हैं जो कि शिव के अंदर बिलीव करते हैं शिव को मानने वाले शैविज्म के अनुयायी या फॉलोवर्स माने जाते हैं ओके okay? सो so ये रिलीजन जो है ये है बेटा शिवा से रिलेटेड किससे रिलेटेड शिवा से रिलेटेड और इसे हम लोग क्या बोलते हैं इधर शैव धर्म या फिर शैविज्म बट यहां जिसकी मैं बात कर रही हूं विहर्ष आई नो वट आई एम टीचिंग ओके सो वेर आई सेट कि सिखिज्म वॉज नॉट पार्ट ऑफ एशियन रिलीजन बेटा दैट मीन्स वो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है क्योंकि जब मैं इन धर्मों की बात करूँ आप इन धर्मों की बात करो बिफोर क्राइस्ट 1469 तो बहुत बाद में है बेटा बिफोर क्राइस्ट बहुत पुराना एरा है ओके सो आई नो कि मुझे uh, क्या इसमें डालना है तो जब मैंने आपको बोला कि वो एशियन रिलीजन का पार्ट नहीं है बेटा आई एम नॉट टॉकिंग ईच एंड एवरी एवरी रिलीजन इन दिस कंट्री बिकॉज फिर तो हमारी क्लासेस ही खत्म हो जाएंगी भैया हम लोग कभी भी रिलीजन को नहीं समझ पाएंगे तो so, हम बेसिकली उन रिलीजन की बात करेंगे बेटा जो कि बहुत एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं ओके okay? चलो अब शैव धर्म जो है बेटा इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था लकुलिश क्या नाम था बच्चे लकुलिश एंड द लकुलिश वाज बिलोंग टू अ संप्रदाय और अ कम्युनिटी कॉल्ड एज पशुपत संप्रदाय पशुपत संप्रदाय गुड अब जहां पर हम और शैव धर्म की बात करते बेटा तो कहीं ना कहीं आपने अलग अलग नाम सुने होंगे हंड्रेड परसेंट सुने होंगे जैसे कोई बोलता है शिव कोई बोलता है महादेव कोई बोलते हैं रुद्र कोई बोलते हैं शंकर तो ये जो चीजें या ये जो नाम हम लोग लेते हैं बेटा ये भगवान के अलग अलग नाम हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि गॉड को अलग अलग जो अवतार या रूप जो है अलग अलग फॉर्म के अंदर उनकी पूजा करी जाती है जैसे जब हम बोलते हैं रुद्र तो रुद्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो शिव है उनकी कौन सी इमेज आती है जो गुस्से में है जो बहुत ज्यादा एंग्री है लेकिन वी शंकर तो शंकर का मतलब होता है जो बहुत शांत है जो तपस्या में लीन है। तो यहां पर बेटा जब भी हम भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने उनके नाम रख दिए नहीं हमने उनकी जो फॉर्म है ना उनको डिस्क्राइब किया है और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं बेटा मत्स्य पुराण के अंदर तो काफी सारी पुराण हैं और उनमें से एक बहुत खास और बहुत एंशियंट पुराण है बेटा जिसका नाम है मत्स्य पुराण तो मत्स्य पुराण के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ लिंग पूजा तो आज सोमवार है अभी एक बच्चे ने मुझे लिखा कि मैम आज कौन सी सोमवती अमावस्या है किसी ने मेरे को बोला मैम आज सोमवार है सावन का सोमवार है सो नेचुरल सी बात है बेटा कि आप भी इन सब चीजों को कहीं ना कहीं जानते हो तो सोमवार के दिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग जाते हैं भगवान के मंदिर शिव जी के मंदिर और शिव जी के मंदिर जाके वहां पे क्या करते हैं शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो ये जो शिवलिंग है बेटा शिवलिंग की पूजा का पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमको कहा मिलेगा मत्स्य पुराण के अंदर कहा मिलेगा बेटा मत्स्य पुराण के अंदर ओके प्लीज शो पिक पिक ऑफ वॉट शिव शिव को तो सब लोगों ने देखा है शिव जी को नहीं देखा ओके बेटा चलो तो अब इसके बाद में हमारे जो वेद है उनमें से एक वेद है बेटा ऋग्वेद और ऋग्वेद ने हमको यह बताया कि जो शिव है उनका एक नाम रुद्र भी है यह मैंने आपसे अभी क्लास में सबसे पहले यही बात की थी बेटा मैम सावन क्यों बनाया है क्योंकि सावन के अंदर बारिश होती है ठीक है बारिश का ही सीजन होता है ना पूरा का पूरा ओके चलो Now, शिव मंदिर जो है मैंने आपको ये जब बेटा जैनिज्म पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपसे समझाया था कि हर एक टाइम जो है यानी हमारी जो भी हिस्ट्री है हम लोग हिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें देखते हैं बेटा कि हर एक एरा या एक टाइम पीरियड के अंदर कोई ना कोई एक धर्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता है प्रेवलेंट का मतलब होना यह है बेटा कि उस समय में कुछ दस या बारह साल में कुछ बीस सालों में या कुछ पचास साल के अंदर एक धर्म को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं या वहां के जो राजा भी होते हैं वो उसी धर्म को ज्यादा प्रमोट करते हैं तो ऐसा ही हुआ था बेटा जब बनाया गया शिव मंदिर जिसे हम कैलाश मंदिर भी बोलते हैं और ये कहा बनाया गया एलोरा और ये एलोरा में बनवाया किसने नेचुरल सी बात है कोई ना कोई फॉलोवर होगा उसने बनाया होगा तो ये फॉलोवर कौन था बेटा रशकुत्र जो रूलर थे उनका नाम था कृष्णवर तो रश्म रश्कुतरा जो था वो एक डायनास्टी था और उस डायनास्टी का एक राजा था जिसका नाम था कृष्णवंध अब ये जो कृष्णा था ये बहुत ही ज्यादा शिव के अंदर बिलीव करता था तो इन्होंने क्या बनाया बेटा एलोरा जो है एलोरा केव कई बच्चों को पता भी होगा मैंने पढ़ाया भी है पहले क्लास के अंदर तो ये जो एलोरा की केव्स है बेटा इनके अंदर किसका मंदिर है शिव का मंदिर ठीक है समझ में आया तुम लोग इसको लिखो फिर हम लोग इसके ऊपर और बात करेंगे मैम अभव मीनिंग इज शिव ओके okay, हमारे क्लास में शिव है काफी सारे ओके बेटा ओके बाल है बेल पत्र भी चढ़ाते बेल पत्र भी चढ़ाते बेटा ओके ओके आपका नाम आदर्श है ठीक है मैं साइड में होगी थी आई थिंक आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा डन डन अच्छा अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है भाई, शुरुआत ने की? शुरुआत की थी ने। कहा हम लोगों को उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है मत्स्य पुराण के अंदर और जो हमारा ऋग्वेद है वो बताते हैं शिव का एक रूप रुद्र भी है शंभू शिव शंभू ऐसे कहते हैं तो बेटा अलग अलग नाम का मतलब क्या होता है अलग अलग नाम का मतलब यही होता है भगवान के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं। तो कोई ऐसा फॉर्म है बेटा जो कि बहुत शांत है कोई ऐसा फॉर्म है जो बहुत गुस्से में है और आपको पता है नटराज क्या है वट इज नटराज चलो मुझे बताओ अगर तुमको पता है तो फिर लो है। हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं नटराज हम लोगों ने देखा होता है ना नटराज की ऐसी मूर्ति होती है लिंग पूजा है बेटा वो लिंग शिवलिंग की पूजा शिवलिंग की पूजा बेटा जो हम लोग करते हैं सोमवार आ गया दूध चढ़ाते हैं भगवान को पानी चढ़ाते हैं और थोड़ा सा वो अभी वो कैसे एक बच्चे ने लिखा था मुझे कि मैम बेल पत्र भी चढ़ाते हैं वही सब हम्म नो मैम बेटा मैं फास्ट नहीं रखती आई कैन नॉट सस्टेन दैट हम्म डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेटा जो हमको कुछ लिखी हुई चीजें मिलती हैं डिस्क्रिप्शन मतलब जो हम बोलते हैं ना अच्छा ये कौन बताएगा तो वो डिस्क्रिप्शन दैट्स दैट्स अ अ फॉर्म ऑफ डांस और गॉड ऑफ डांस दैट इज अ गॉड ऑफ डांस बेटा हम लोग उनको बोलते हैं नटराज नट राज और बेसिकली नट राजा है नट का मतलब होता है ड्रामा नाट्य डांस ड्रामा उनके राजा और नटराज पता है कौन है नटराज एक्चुअली में शिव का ही नाम है तो वो कौन से डांसिंग शिवा है बेटा यस डांसिंग शिवा और कौन से डांसिंग शिवा जो कि तांडव कर रहे हैं सो so, तांडव वॉज दी फोर्स डांस दैट मॉज इंट्रोड्यूस इन दिस वर्ल्ड यस नटराज इज अ फॉर्म ऑफ शिवा बट वो बहुत गुस्से वाली फॉर्म है क्योंकि कभी भी भगवान ने खुशी में तो तांडव किया नहीं भगवान ने तो तांडव कब किया जब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था सो दैट्स अ एंग्री फॉर्म ऑफ शिव बट येट हम लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं उनकी पूजा इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि वही से डांस जनरेट हुआ है समझे तो ऐसे ही बेटा जैसे तांडव तांडव इज अ फॉर्म ऑफ डांस नाउ है ना तो इसीलिए मैं बता रही हूं बेटा जब हम शिव शंकर शंभू बोलेंगे तो उनसे क्या निकल के आएगा उनसे भगवान के अलग अलग फॉर्म्स निकल के आएंगे ठीक है ओके okay. ना अब प्यारे बच्चों देखो यहां पर जब मैं ये सामने सामने चीजें देखते रह तो मुझे थोड़ा सा ऐसे उदासी सी होती है बिकॉज अभी राइट नाउ सिक्सटी टू व्यूवर्स आर वॉचिंग दिस क्लास एंड ओनली ट्वेंटी सेवन लाइक्स डोंट यू थिंक कि आपकी मैम की क्लास थोड़े से ज्यादा लाइक्स जो है वो डिजर्व करती है तो क्यों भूल जाते हो भैया आते ही क्लास को चलो पहले क्लास को लाइक करो जल्दी जल्दी की फोटो अरे तांडव मैं कल दिखा दूंगी पक्का कल दिखाती मैं तुमको भी दिखाऊंगी दिखा okay? okay. okay. जल्दी, से जल्दी को आ गया ना तो एकदम रौद्र रूप में आ जाएंगी तो जल्दी से क्लास को लाइक करो जब तक हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारा धर्म है उसकी तरफ ओके बेटाज्मीस हमारा बौद्ध धर्म ओके तो बौद्ध धर्म को भी लिख लेते हैं यहाँ पर कोई भूल ना जाए ओके तो बच्चों पहले हम लोग एक पूरी स्लाइड को समझेंगे मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी फिर आप उसको लिखना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यही चीज आगे चढ़ाएंगे ओके चलो नेक्स्ट सो यहां बौद्धिज्म की शुरुआत कहां से हुई बेटा सो बौद्धिज्म की शुरुआत हुई गौतम बुद्ध से ही वॉज फाउंडर ऑफ बौद्ध धर्म और बुद्धिज्म ओके चलो ये जो बुद्ध धर्म है बौद्धिज्म जो है वो बेटा हमारे यहीं से ही शुरू हुआ था और इसीलिए जो बुद्ध है उनको कहा जाता है ज्योति पुंज ऑफ एशिया क्योंकि यहां एशिया से निकल कर ये दूसरी जगह पहुंचा है हम्म हम्म बिल्कुल इट वॉज ऑन कैलाश पर्वत हम लोग यहाँ पे राष्ट्रकुता जो है उनकी डायनेस्टी को नहीं समझ रहे बेटा हम लोग यहाँ पर धर्मों को डिस्कस कर रहे हैं तो प्लीज अपने ट्रैक को दूसरे जगह मत लेके जाओ बेटो यहीं पर रहो ओके okay, बेटा नाउ जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था 563 हंड्रेड और कहा हुआ था कपिल वस्तु और कपिल वस्तु जो है कहाँ है बेटा एक जगह है लुम्बिनी उसके पास में एक जगह है कपिल वस्तु अब मुझे एक बच्चा आते ही क्लास में आई थिंक विहर्ष मेरे को बोल रहा था मैम सिख धर्म वाज स्टार्टेड इन दैट दैट एरा लुक एट दिस 563 बीसी दैट मींस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले भी कितने साल पहले बेटा 563 इयर्स पहले ऑलरेडी जो है वो बौद्धिज्म जो है उसके फाउंडर का जन्म हो चुका था और 20 से आ, 39 के बीच में उन्होंने तो बौद्ध धर्म जो है वो स्टैब्लिश कर दिया था इसीलिए बेटा मैंने आपको बोला कि जो भी धर्म हम लोग क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे एंशियंट है ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बेटा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने बुद्ध बुद्धिज़्म को बेटा जो स्प्रेड करना शुरू किया है ना बहुत सारे लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू किया तो बुद्धिज़्म के जरिए अपने धर्म के जरिए वो इस धरती के ऊपर लाइट लेकर आए हैं उन्होंने बहुत एनलाइटन किया है इस पूरी की पूरी जगह को तो इसीलिए उसे उन्हें लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज कहा जाता है ज्योतिपुंज का मतलब यही है बेटा जो लाइट होती है वो ओके ना गौतम बुद्ध के फादर का नाम था बेटा शुदोधाना और उनकी मम्मी या मदर का नाम था बेटा हम्म यूपी यूपी हाँ अभी पढ़ाऊंगी बेटा पढ़ाऊंगी पहले इसको लिखो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ओके डन बच्चे नेक्स्ट ओके सो क्या हुआ था बेटा जब जो आ, हमारे आ, गौतम बुद्ध थे वो जब छोटे थे तो उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई तो उनको रेस करने की जिम्मेदारी किसकी आई उनकी मौसी या आंट थी जिनका नाम था गौतमी प्रजापति और हमारे गौतम बुद्ध जो है उनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिद्धार्थ के फादर का नाम था उनकी मम्मी का नाम था या मदर का नाम था महामाया और उनको रेस किसने किया उनका उ, मतलब हम ऐसे बोलते हैं उनकी अपब्रिंगिंग किसने की बेटा उनकी अपब्रिंगिंग की उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो गई थी ठीक है जब सिद्धार्थ जो है वो एक बार एक ट्रिप के लिए निकले कपिल वस्तु जहां पर उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने उस दिन कुछ बहुत अनयूजुअल देखा अनयूजुअल मतलब इससे पहले उनका कभी भी इन सब चीजों से कोई भी रिलेशन या हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं था तो उनको क्या देखने को मिला बेटा एक ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी एक सिक मैन एक बीमार आदमी एक डेड बॉडी डेड बॉडी सबको है क्या होता है और उसके बाद में एक सन्यासी यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं जिसने संसार को बिल्कुल छोड़ दिया है मीनिंग ऑफ रेज मतलब बड़ा किया पालना पोसना जो है बेटा हाँ वो किसने किया उनकी मौसी ने तो जब उन्होंने ये चार सीन देखे अपने ट्रिप के ऊपर तो उनको ऐसा लगा अरे जो चीजें मैं जानता था लोगों के बारे में वो तो है ही नहीं या तो बिल्कुल कुछ अलग है मतलब लोग बूढ़े भी होते हैं लोग बीमार भी पड़ते हैं लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सब कुछ छोड़ के निकल गए हैं जो कि आ, सेंट बन गए हैं या जो हम ऐसे बोल सकते हैं मंक बन गए हैं तो इन सब चीजों से परेशान होकर उन्होंने क्या किया अपना घर छोड़ दिया और अपना घर छोड़ के वो निकल गए तपस्या करने के लिए तो जब मैंने आपको जैनिज्म पढ़ाया था बेटा तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो महावीर स्वामी थे वो क्या जन्म से महावीर स्वामी थे नहीं वो तो वर्धमान थे एक बहुत ही आम से इंसान, जैसे आप और मैं है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वर्धमान महावीर स्वामी बने तो यहां पर सिद्धार्थ की कहानी है जो बिल्कुल आराम से एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने घर में रहते थे उनके फादर थे पहले उनकी मदर भी थी उनकी मौसी थी है ना लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना घर बिल्कुल छोड़ दिया क्यों क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें देखी सन्यासीन का मतलब होता बेटा जैसे सन्यास लेने वाले लोग मैंने मैंने बताया था सेंट होते हैं मंक होते हैं वही ठीक है नाउ अब जब उन्होंने ये सब चीजें देखी तो सिर्फ वो ट्वेंटी नाइन के थे उन्होंने एक मंक की लाइफ को अपना लिया और अपना घर छोड़ दिया होमिसाइड का मतलब होता है घर छोड़ देना कि नहीं मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं तो अपना घर छोड़ के निकल जाऊंगा और अपना घर छोड़ने के बाद में वो चले गए तपस्या करने के लिए या मंक बनने के लिए अब जब बुद्धिज्म की हम लोग बात करते हैं बेटा तो उसमें जब अपना घर छोड़ा जाता है है ना जिसे हम लोग बोलते हैं होमिसिडल एक्टिविटी उसे कहा जाता है महाक्रमणा महाभिनिश क्रमण ये चीज मैं आपको हिंदी में लिख के दिखा देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए महा हू न्यासी मतलब वही सेंट Monk जो होते हैं okay. ओके जब उन्होंने 6 साल तक बहुत कठोर तपस्या की पेनेंस मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बहुत कठोर तपस्या की बेटा और वो इसके लिए कहां पर थे एक पीपल जो होता है ना पीपल का एक ट्री था और ये था निरांजना रिवर वहां पर उन्हें फुल नॉलेज मिला 6 साल की तपस्या के बाद में और वो रात क्या थी वैशाख पूर्णिमा की गुड अब इसको लिखो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ओके okay, प्यारे बच्चों लिख लिया कुछ बच्चे मुझे बोलते थे मैम लास्ट स्लाइड भी एक बार दिखा दो तो मैं एक बार लास्ट स्लाइड भी दिखा देती हूँ अगर किसी को लिखना है तो प्लीज उसको लिख ले डन बच्चों चलो अब लोग आगे बढ़ते हैं ओके तो मैं आपको ये समझा रही थी बेटा कि उन्होंने अपना घर तो छोड़ दिया एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन और उसके बाद में वो एक रिवर के किनारे बैठ गए जैसे आप पिक्चर में ना, तो आपको पिक्चर के अंदर वो रिवर भी दिखाई देगी तो वो रिवर जो है बेटा वो है निरंजना ठीक है कहां पर है ये जो निरंजना है ये बोध गया के पास में है और वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे आराम से उन्होंने छ साल तक कठोर तपस्या की और उसके बाद में वैशाख पूर्णिमा जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक फुल मून है तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बेटा उनको पूरा का पूरा ज्ञान मिला यानी okay? कि तो रहे थे, उससे पहले तो वो ही थे। जैसे मैंने आपको बोला भाई महावीर स्वामी थे तो ना बने थे पहले तो वर्धमान ही थे बाद में महावीर स्वामी बने तो बाद में उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और वो प्लेस बेटा जहां पे उन्हें वो एनलाइटमेंट मिला उसे क्या कहा जाने लगा बोध गया क्या कहा जाने लगा बोध गया ठीक है ओके नाउ गौतम बुद्धा जो है उन्होंने अपना फर्स्ट जो प्री हम ऐसे बोलते हैं प्रीचिंग जो है पहली बार जब उन्होंने लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताया वो कहा दिया बेटा सारनाथ कहां पर दिखा सारनाथ और जहां पर क्या है अशोका पिलर यानी जो संगति होती है जो सभा होती है बेटा उसे क्या कहा जाता है धर्म चक्र प्रनाथन क्या कहा जाता है थी पाली लैंग्वेज के अंदर जैसे हम लोगों ने प्राकृत लैंग्वेज पढ़ी थी बिल्कुल वैसे ही एक एशियंट लैंग्वेज है पाली लैंग्वेज के अंदर जब 483 हंड्रेड आया तब कुशीनगर जो है एक जगह है वहां पर खाने के बाद में बौद्ध जो गौतम बुद्धा जो थे उनकी डेथ हो गई तो क्लास इज बफरिंग क्लास इज रनिंग वेरी स्मूथ ओके बच्चा लिखो इसको फिर हम लोग एक स्लाइड और पढ़ेंगे एंड देन हमारा बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा ओके okay, तो so, ये अशोका पिलर को हम आगे जाके एक और रेफरेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो बेटा सारनाथ को जरूर जरूर याद रखना ओके okay, बच्चा चलो अब देखो उनकी जो डेथ है बेटा उसे क्या कहा जाता है महापारी निर्वाण बुद्धिज्म के अंदर महा परिनिर्वाण आपको जब मैंने जैनिज्म पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब जैनिज्म के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है महानिर्वाण वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर बेटा डेथ को क्या कहा गया है महापरिनिर्वाण निर्वाण और यहां पर हमारा बुद्धिज्म खत्म होता है ये सब बेटा ये सब रीजन जो है ना ये सब बिहार में आए हैं पहले रीजन अलग हुआ करते थे बेटा मगध हुआ करता था पाटलिपुत्र हुआ करता था अब नहीं अब ये सब जैसे बोध गया है वो बिहार में है तो ये सब रीजन हम बिहार में आ गए हैं ओके जैसे अभी उसने बोला भी था मैडम ये जो था क्या बोलते हैं इसको सारनाथ मैं सारनाथ गया भी था कैसे डेथ हुआ था बेटा एग्जैक्ट तो नहीं पता बट ऐसा बोला जाता है कि उनका जो मील था ना उसके अंदर पॉइजन था दैट मींस वो पॉइजनस था उनको खाने के बाद में उनकी डेथ हो गई व्हाट इज होमसाइड होमसाइड का मतलब होता है अपना घर छोड़ देना व्हाई ही डाइड आफ्टर मील बिकॉज़ वो पॉइजन था बिहार मैं अभी बताया मैंने नहीं खुशीनगर नहीं है वहां पे ओह बढ़िया हमारे यहां पे बिहारी भी है ओके okay. सो so, प्यारे बच्चों अभी एक वैष्णव धर्म है पर हम वैष्णव धर्म को आज शुरू नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में समझने में समझने हम लोगों को क्लास बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो वैष्णव धर्म और अब जो आने वाले धर्म है ना वो हमारे इतने बड़े बड़े है नहीं तो आई थिंक कल की क्लास के अंदर हम लोग दो या दो से तीन धर्म जो है उनको डिस्कस करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा जल्दी कोशिश करेंगे कि हम ये अपना जो एशियन रिलीजन वाला चैप्टर है उसको खत्म करें इसमें दो ही धर्म ऐसे बेटा जो थोड़े से बड़े बड़े हैं उसमें से सबसे बड़ा हमारा जैनिज्म था जिसमें आपने बहुत सारी चीजें लिखी थी एंड देन बुद्धिज्म था लेकिन ये दोनों के दोनों धर्म जो है वो खत्म हो गए कल हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे टिल देन थैंक यू जय हिंद जय भारत और क्लास की पीडीएफ आपको हंड्रेड परसेंट मिल जाएगी तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमको क्लास की पीडीएफ कब मिलेगी तो क्लास की पीडीएफ बेटा आपको क्या होता है नेक्स्ट डे तक मिलती है सेम अभी जैसे ज्योति में हम क्लास लेके गई तो एकदम से आपको ये पीडीएफ नहीं मिल जाएगी बेटा ठीक है तो आपको नेक्स्ट डे जो है श्योर्टली उसकी पीडीएफ मिल जाती है तो आप क्लास को पीछे करके जैसे आज हमारी लाइव क्लास है आज जो सत्रह तारीख है तो अगर आप पंद्रह तारीख वाली लाइव क्लासेस को देखेंगे और डाउनलोड नोट्स पे जाएंगे तो आपको शोर्ली वो पीडीएफ मिल जाएगी सो so, हम लोग मिलते हैं आपसे कल टेदन थैंक यू जय हिंद जय भारत Bharat Senic School and Defense Academy, earlier known as Captain Atul Shahri Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of post-building. Sharia Bharat is dedicated to the preparation of Senic School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech, support keeping in sync with future education needs Sharam Arab the stories of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since the last two years to launch our dream projects of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Celic School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since the last five years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life.

उनके मन में एक डर सता रहा है एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सपताना देंगे मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आर की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटेटिव तैयारी

हाँ अच्छा अच्छा आज शाम की सूरत आज शाम का शाम होती बेटा आज शाम की शाम है ना आज की शाम हर्षवर्धन सर के शाम नाम है ना <laughs> ऐसे बोल रहे हैं चलो ठीक है तो प्रोनाउन क्या है सिंपल सी डेफिनेशन है हमेशा पढ़ते हो वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन किसकी जगह पर नाउन की जगह पर प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन नाउन की जगह हट जाता है नाउन हट जाएगा अब नाउन की जगह एक प्रोनाउन वाला वर्ड आ जाएगा तो अब आप इनको वर्ड्स को ध्यान रखना है किसको ध्यान रखोगे यू हैव टू रिमेंबर दी वर्ड्स वर्ड्स के बारे में ध्यान रखना है वेलकम है नए बच्चों को सबको प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ज़्यादा वेलकम है शौर्य भारत क्लास के अंदर आ जाओ बेटा सबके नाम आई के टेल है ना अब नाउ वी हैव सिक्सटी प्लस स्टूडेंट्स हो आई के से ना कि आप इसको हेलो uh, आपका नाम ये है आपका नाम ये है ठीक है ना टाइम so, लग जाएगा एंड लाइक बटन दबाते रहो ठीक है ना गॉट इट 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 लाइक लाइक थैंक थैंक यू यू फॉर लाइकिंग द क्लास देता हूं मैं आपको कैसे राम हैड अ बुक तो राम क्या है नाउन है बुक क्या है नाउन है कल नाउन पढ़ा था आप लोगों ने सब्जेक्टिव के और ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ा था आपने ये भी पढ़ लिया था लेकिन अभी हम देख रहे हैं इसको प्रोनाउन में बदलेंगे इसको अब हम तो राम हैड अ बुक राम के पास बुक है गेव इट टू सीता अब सीता भी क्या हो गई एक हो गई. तो ही राम ने दिया क्या दिया it, it क्या हो गया? बुक हो गया ठीक है ना तो यह चीज हो जाती है किसके लिए आया? आया. किस आया? आया. टेबल तो शी कौन हो गया अब शी सीता हो गई और इट क्या इट तो बुक को ही बोल रहे थे ठीक है ना तो शी इट ऑन द टेबल तो राम के पास बुक थी उसने तो ही क्या हो गया उसने वह सीता को दे दी तो उसने वह वह क्या उसने वह बुक उसने वह किताब सीता को दे दी एंड शी कैप्टेड ऑन द टेबल और सीता ने क्या करा सीता ने वह बुक को कहां रख दिया टेबल के ऊपर रख दिया इट तब हमने यहां पे क्या वर्ड्स देखे हम लोगों ने यहां पे वर्ड्स देखे ही शी इट बिल्कुल ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं ये सारे के सारे प्रोनाउन हो जाते हैं ठीक है ना सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं प्रोनाउन तो अब सिर्फ ये इतने से वर्ड्स नहीं है ये अब कई सारे वर्ड्स है हमें पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से होते हैं ठीक है ना हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स पढ़ेंगे अभी हम जानते हैं इन वर्ड्स को इट अच्छा इन वर्ड्स को जानने से पहले हम क्या हम क्या जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में काइंड्स कौन कौन से पढ़ने वाले अभी मत पूछना है वो क्या है अभी इन सब काइंड्स के बारे में सिर्फ आपको मैं ब्रीफ करूंगा बाद वन बाय वन आपको समझाऊंगा ठीक है ना आज यूज में वन बाय वन समझाऊंगा देन ओनली आपको समझ में आ पाएगा आप कहोगे कि सर ये क्या हुआ वापस समझाओ नो no डाउट बच्चा लोगों इसको सबको समझाया जाएगा वन बाय वन समझाऊंगा गॉट इट तो इसलिए हैव पेशेंस और पूरा कंसंट्रेशन क्लास के अंदर रखना है तभी आपको मज़ा आएगा तभी आप सीख भी पाओगे आप सोचोगे कि, कि कौन ध्यान दे सर ने तो बोल दिया सर समझा देंगे बाद में नहीं पहले हमें थोड़ा सा एक क्लियर दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए ठीक है ना कि सर ने कितने काइंड्स बताए कितने टाइप्स बताए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो एक फ्रेम होगा तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे ना उस फ्रेम के अंदर हम उसको सेट कर पाएंगे तो उसको अच्छे से समझना है उसको अच्छे से आपको बनाना है गॉटेड तो ये चीज़ें बना के

सर क्या हम लोग न नहीं कॉपी बना लेना पर चलूँ हुआ पता नहीं बेटा क्या लिखा है दिव्यांश हाउ आई नो आप लोग को मैंने क्या बोला बनाने की जरूरत नहीं है टेंशन की लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपके पास पीडीएफ आ जाती है आपके अंदर आप नेक्स्ट डे पीडीएफ को देख लिया करो गॉटेड तो ये ये चीज़ें करा करो है ना हाँ कोई बात नहीं लेट आया तो बेटा कोई परेशानी की बात नहीं सबको हकूना मटाटा और क्लास को लाइक करना है गॉटेड सेवेंटी व्यूवर्स है तो मुझे सेवेंटी लाइक्स चाहिए क्लास के अंदर और बार बार ये भी आ रहा है

बताए थे ना ये वर्ड्स तो ये वर्ड्स किस में आ गए थे कल इंडेफिनेट प्रोनाउन के तो बताए थे आप लोगों को ठीक है ना तो याद आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो मोस्टली इंटरोगेटिव वर्ड्स ही होते हैं लेकिन सेंटेंस में कैसे यूज होंगे वो हम देखेंगे फिर कौन सा आता है पजेसिव प्रोनाउन है ना पजेसिव प्रोनाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जो अभी हम जानेंगे भी थोड़ा सा पर्सनल के साथ साथ में जानेंगे पजेसिव प्रोनाउन्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन लगभग एक जैसे होते हैं माई सेल्फ हर सेल्फ है ना themselves, ये words हम यूज करते हैं आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ मैं अपना काम खुद कर लूंगा है ना आई माई सेल्फ विल डू माई वर्क तो ये जो वर्ड हो जाते हैं वो हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे तब इसको हम इसका डिफरेंस भी समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव तो आप रोज यूज करते हो दिस दैट दोस्त बताया था आप लोगों को बहुत ज्यादा एडजेक्टिव में भी आए थे ये वाले वर्ड दिस दैट दिस बुक इज माइन कल पढ़ा था आपने तो दिस इज माई बुक तो अब दिस क्या हो गया

ओके okay, बच्चा लोग आ जाओ यस yes, हाँ हम्म प्लेस ऑफ नाउन जो भी हम लोगों ने देखा था उसके बारे में हम करेंगे गॉट इट हाँ आ जाओ अभी हम पढ़ रहे हैं पर्सनल पर्सनल पे आएंगे यस yes, हाँ आई एम अनिरुद्रा यस हाँ हाउ मेनी अनिरुद्रा आर देर ये भी अनिरुद्रा एक अनिरुद्रा और भी आता है देर आर टू अनिरुद्रास दो 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 अनुद्रा कि मेरी क्लास के अंदर आई डोंट नो हाँ वन बाय वन करेंगे बिल्कुल बेटा वन बाय एक साथ तो कैसे कर पाएंगे एक साथ तो मुश्किल है ना तो वन बाय वन करेंगे तो अभी हम पर्सनल प्रोनाउन शुरू करेंगे उसको समझेंगे फिर दूसरा प्रोनाउन लेंगे उसको समझेंगे आराम से एक एक करके समझेंगे जब हम समझेंगे तभी तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे वन एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हमको याद ही नहीं आएगा कि यार ये क्या करना है इसमें यूज़ कैसे करना है तो अब क्या होता है कई बार दिक्कत किस में आती है बताऊँ मैं आपको आपको आएगी पोजेसि प्रोनाउन औरज्जेक्टिव के साथ साथ में और डेमानस्ट्रेटिव प्रोनाउन औरब्जेक्टिव के साथ साथ में इन दो में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं क्योंकि दोनों के अंदर वर्ड सिमिलर है दोनों में और दोनों के वर्ड भी लगभग लग सिमिलर, सिमिलर आएंगे लेकिन डिफरेंस क्या है वो हम जब पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि करके ठीक है ना तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में आराम आराम से समझ समझ के पढ़ाई करनी है और यू नहीं कि सर ने लिख दिया तो मैं भी फटाफट से लिख लू है ना कोई बात नहीं आपको पी मिल जाएगी उसको कर लो और कुछ नोट डाउन करना है तो अभी क्लास में समझा करो और क्या करना करो बाद जो आप क्लास से फ्री हो जाते हो तो आप वापस क्लास विजिट करके तब नोट कर लिया करो या फ्री टाइम हो आपके पास ऑप्शन है आप में जाकर पुरानी डेट्स के हिसाब से देखने का है ना क्लासेस को तब नोट कर लिया करो संडे है तब बना लेना ठीक है ना तो अभी क्या होता है कि आप अगर सिर्फ एकदम बैठने लगते हो तो आपका ध्यान रखते हैं कि मैं नोट्स लिख लूँ सर इरेज कर देंगे तो आप समझ नहीं पाते हो तो यह गलती नहीं करनी इस चीज को नहीं करना ठीक है ना अभी समझना अच्छे से समझोगे तभी याद रह पाएगा नहीं समझोगे तो भूल जाओगे वापस से तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस जब वो क्या कर रहा है किसी नेम को प्लेस को एनिमल या जो भी चीज है उसको हटाकर उसकी जगह आ रहा जैसे आपने देखा था राम 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 हैड हैड अ अ बुक बुक ही गेव इट टू सीता है ना तो राम है बुक, तो अब राम की जगह वर्ड हट गया और क्या लग गया ही लग गया था बुक की जगह बुक वर्ड हट गया था और इट लग गया था तो इसीलिए जो ये पर्सनल प्रोनाउन वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं वो जो नाउन की जो नाउन का नाम होता है उसको हटाकर उसकी जगह ले, ले लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरह हो जाते हैं ठीक है ना अब इसमें फर्स्ट पर्सन पहला शुरुआत किससे होती है हमेशा से किसकी किस शुरुआत करोगे आप अपने आप से शुरुआत करते हो कहते ना चैरिटी बिगिन एट होम एक एक आपको प्रूवअप भी आती होगी क्या आती है कि अच्छा काम किससे शुरुआत होती है पहला काम कौन शुरू करेगा आप खुद करोगे ठीक है ना तो इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन की शुरुआत भी किससे होती है आय से होती है किससे होगी आय से आय है ना मैं मेरा मुझे हम इसके लिए करते हैं गॉट इट सेकेंड फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होगा ये सिंगुलर है आई क्या है सिंगुलर है और प्लूरल क्या होगा वी आई का वी हो जाएगा मैं और मेरे साथ बहुत सारे हो जाएंगे मेरे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएंगे हम बन जाएंगे और जब जा मैं बात करूंगा सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन यानी कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या हो गए यू हो गए मेरे लिए और आपके लिए मैं क्या हो गया यू हो गए है ना सर यू आर टीचिंग मैं कहूंगा स्टूडेंट्स यू आर स्टडिंग मैंने क्या यूज करा सेकंड पर्सन यूज करा यू का यूसेज किया तो हम यू का यूज करते हैं सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए करते हैं यू का है ना तो इसीलिए हमें ध्यान रखना मैंने कहा यू ऑल स्टूडेंट्स तो मैंने यू ऑल करा प्लूरल में करा मैं एक जने के लिए बोलूं यू कम हेयर तो एक जना आएगा तो यू का हम यूसेज प्लूरल दोनों के लिए करते हैं गॉट इट फिर थर्ड पर्सन होता है he, she, it. जब अपन लोग मिलकर किसी और की बात करेंगे कि तुम्हें पता है ऐसा उसने ऐसा किया था तुम्हें पता है उसके वहां पर ऐसा हुआ था तो हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तीसरे एक जने की बात कर रहे हैं तब हम शी इट का यूज करेंगे और जब हम बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तुमको पता है इंडिया के सारे प्लेयर्स ऐसा कर रहे थे वो वहां ऐसा कर रहे थे हम क्या बात कर रहे हैं बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे हम दे का, दे का, का थर्ड पर्सन तो इसका हम एक हम एक एक छोटा सा अगर बॉक्स बनाए तो कैसे बनाएंगे देखो इसको याद करो मैं एक छोटा सा बॉक्स बना के दिखा रहा हूं अगर ये बनाना है तो ये बना सकते हो आप ठीक है ना तो ये कैसे बनाओगे सोचो मैंने लिखा पहले सिंगुलर के लिए एस सिंगुलर यहां क्या लिखा प्लूरल एक लाइन खींच दी यहां पर भी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन में क्या करें यह पर्सन है फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या है आई है प्लूरल क्या है वी है यू करा सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन क्या हुआ यू प्लूरल भी क्या है यू फिर मैंने लिया थर्ड पर्सन क्या होगा सिंगुलर में ही शी इट और प्लूरल क्या होगा दे ठीक है ना ऐसे याद कर सकते हो आप इसको आराम से हम्म बेटा जब हम पहले किसी के लिए पहले यूज करते हैं ना किसी के तौर पर किसी से अगर हम कोई बात की शुरुआत करेंगे तो वो हो जाता है फर्स्ट पर्सन ठीक है ना तो आप कोई बात की शुरुआत किससे करोगे खुद से करोगे है ना आई ईट आइसक्रीम आई गो टू प्ले है ना आई स्लीप आई स्टडी इन क्लास सिक्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल तो आपने खुद से शुरुआत करी बात की तो आपने क्या यूज करा आई यूज करा फिर आपका प्लूरल क्या हो जाएगा आई का प्लूरल क्या होता है वी वी आर स्टडिंग इन क्लास नाइन्थ वी आर टेकिंग शॉरी एकेडमी क्लासेस वी हैव जॉइंड है ना एकेडमी वी हैव मेनी फ्रेंड्स वी आर ईटिंग वेजिटेबल्स वी आर गोइंग टू है ना प्ले तो हमने क्या यूज करा वी करा अब सेकंड बात होती किससे सामने वाले से होती है इसलिए हम सेकंड पर्सन बोलते हैं उसको कि हम अब मैं आपसे बात करूंगा तो आप मेरे लिए क्या हो गए पर्सन हो गए तो मैं बोलूंगा यू आर अ गुड बॉय स्टडी हार्ड यू मस्ट कम टू क्लास रेगुलरली तो मैंने बात करी. फिर अपन दोनों मिलकर क्या करें तीसरे की बात कर रहे होंगे है ना? कि उसको क्लास में आना चाहिए he must, है ना हमने क्या करी थर्ड पर्सन से बात थर्ड पर्सन की बात करी और वो अगर बहुत सारे होंगे तो दे मस्ट कम इन द क्लास दे मस्ट डू देयर स्टडीज दे मस्ट गो टू प्ले बोला हम लोगों ने तो हमने क्या यूज करा दे का यूज करा तो हमने क्या क्या, -क्या यूज करा आई वी बेटा बेटा दोज वो आएगा में बताया ना आपको वो दोज आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव दिस डोट हाँ एवरी वन आएगा बेटा एवरी वन आएगा जब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इनडेफिनेट कल हम लोगों ने इनडेफिनेट वर्ड देखा था उसके अंदर हाँ बेटा माइंड जो है ना माइंड क्या है माइंड है पजेसिव है क्या है पजेसिव प्रोनाउन है बेटा ठीक है ना फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर का वो है पजेसिव हम पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन बिल्कुल सिंगुलर प्रोनाउन ही है फर्स्ट पर्सन का लेकिन पजेसिव केस में कौन से केस में प्रजेसिव केस में गॉट इट ये चीजें ध्यान रखनी है ठीक है तो इस टेबल को दिमाग में याद कर लो कि कैसे बनाना है सर ने कैसे सिखाया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई प्लूरल वी सेकेंड पर्सन क्या बताया यू

सब्जेक्ट के तौर पे क्या आएगा आई आएगा वी आएगा ही आएगा शी आएगा इट आएगा दे आएगा और यू आएगा एज यूजल है ना जैसे कि क्या बनाते हो आप अभी बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा आपको पता है सेंटेंस के बाद में ना बनता है ऑब्जेक्ट क्या बनता है बाद में बनता है तो हमने जब नाउन में पढ़ा था तो नाउन वर्ड तो चेंज नहीं हुआ था लेकिन प्रोनाउन वर्ड चेंज हो जाता है क्या हो जाएगा प्रोनाउन वर्ड बदलेगा इसको याद रखना है गॉट इट इसका इसका ध्यान रखना प्रोनाउन वर्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा हम्म hmm. एनी नेम इज थर्ड पर्सन हाँ कोई भी नाम थर्ड पर्सन में आ जाता है वेरी गुड हाँ ठीक है ये चीजें याद करो बिल्कुल ऐसे याद करना लाइक like बटन दबाते रहो ठीक है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा आय का मी हो जाएगा वी का क्या होगा अस हो जाएगा ही का हो जाएगा हिम शी का हो जाएगा हर इट का हो जाएगा इट ही रहेगा ठीक है ना दे का देम हो जाएगा यू का यू ही रहेगा इट अब इसमें क्या हो जाएगा अब यहां पे ऑब्जेक्टिव और प्रोनाउन जो है वो आपको एक जैसे जैसे दिखेंगे लेकिन हमें यहां पे पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में गॉट इट ये प्रोनाउन के बारे में पढ़ना तो आप क्या पढ़ोगे आई का क्या होएगा आई का माइन वी का ही का का it का हिज शी हर्स इट इट्स नहीं होता ठीक है ना पैसे प्रोनाउन नहीं बनता इट का नहीं बनता अगर ओन वर्ड आएगा तो ही बन पाएगा दे का गॉट इट तो आपको ये याद रखना है यू you का योर्स क्या बनेगा यू का बन जाएगा ठीक है ये बनाओ इनको इस टेबल को याद कर लो बिल्कुल आपको याद करना है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस गॉट इट हम बेटा अथर्व कल आपको मैंने आ, नाउन में समझाया था ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बताया था जब क्या सेंटेंस के अंदर क्या हो जाता है अभी समझा रहा हूं रुक जाओ अभी आने वाला है अभी हम समझेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को अच्छे से रुको ये समझ में आ गया ऑल डन गिव अ थम्स सर यस क्लियर आगे बढ़ते हैं गिव थम्स अप सो आगे बढ़ू मैं समझ लो टेबल को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस आगे समझाऊंगा इसको मैं हाँ एज ऑब्जेक्ट आए ना हा ही इज कॉलिंग मी है ना आई एम कॉलिंग यू गॉट इट दे आर कॉलिंग अस हाँ देख लो देख लो देख लो देख लो इसको तो आपके पास में मेन वर्ड है आई वी यू ही शी इट दे उसका ऑब्जेक्टिव केस है आई का मी वी का अस ही का हिम शी का हर इट का इट ही रहेगा दे का देम है ना यू का यू ही रहेगा आई का प्रोजेसिव केस हो जाएगा माइन वी का आर्स ही का his, का hers, का शी इट कुछ भी नहीं बनता दे का देयर्स और यू का योर्स गॉट इट हार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है अब हमें पढ़ना है केस के बारे में उसके रूल्स के बारे में अभी बात, बात कर रहे थे पजेसिव केस हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस तो तीनों पढ़ेंगे तो प्रोनाउंस के भी तीन केसेस होते हैं कितने होते हैं सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस बातें कर रही है हम लोगों ने जानी उसको हम जान रहे हैं यहाँ पर गॉटेड आराम से एक एक को पढ़ेंगे जिसको समझ में नहीं आया वो समझेगा भी ऐसा नहीं है कि मैंने बस पढ़ा दिया और आगे बढ़ गया नो 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 वी डोंट डू दैट है ना हम ऐसा नहीं करेंगे हम करेंगे कि जो आपको समझ में नहीं आया उसको समझाएंगे आपको समझना बहुत जरूरी है तो वो बिल्कुल वो करके दिखाएंगे गॉट इट तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि सर मेरे को समझ में नहीं आया आप तो आगे बढ़ गए ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको अभी बस एक बार फ्रेम बताया कि हमें पढ़ क्या रहे अब उसको समझाऊंगा मैं कैसे कैसे आएगा क्योंकि नाउन के अंदर भी हमने क्या देखा था सेम देखा था पजेसिव पॉजेसिव सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस तीनों देखा था जिसको अगर तब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं समझ में आया तो वापस समझ लो इसको ठीक है ना तो ये लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है प्रोनाउन में और नाउन में डिफरेंस क्या है नाउन में तो एज इट इज वर्ड आ जाता है है ना नाउन में क्या आएगा एज इट इज वर्ड आएगा लेकिन प्रोनाउन में क्या होता है प्रोनाउन के अपने वर्ड है, है ना प्रोनाउन के साथ में क्या है हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ वर्ड्स अभी हमने वर्ड्स देखे ना सेट सेट देखा सबका सेवन वर्ड्स देखे और सेवन वर्ड्स का अपने आप में एक सब्जेक्टिव केस था ऑब्जेक्टिव केस था और पॉजिटिव केस था सेम टू सेम नाउन में नहीं होता है नाउन में आपको पता है अलग अलग तरीके से चलता है नाउन में तो नाउन वर्ड वो के वही रहने वाला है लेकिन प्रोनाउन में उनका अपना सेट ऑफ वर्ड्स है वो आपको याद करना पड़ेगा जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आय का मी हो जाता है आय का माइन हो जाता है ठीक है ना वी का क्या होगा वी का एस हो जाएगा आर्स हो जाएगा है ना यू का यू और यू और यूर्स हो जाएगा ठीक है ना इस तरह से चेंज होगा ही का हिम हो जाएगा हिज हो जाएगा शी का हार हो जाएगा हर्ज हो जाएगा इट का इट हो जा रहेगा और बनेगा नहीं देखा देम हो जाएगा और देर्ज हो जाएगा ठीक है ना तो ये याद करना आपको रोज रोज गॉट इट हां चलो आगे समझते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या है आई वी यू ही शी इट दे है ना और आगे यू एक्ट as सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको पता है काम कर कौन रहा है सब्जेक्ट मैंने बताया था कि हु इज द डूअर इज द डूअर ऑफ द एक्शन कि एक्शन कर कौन रहा है सेंटेंस में हम लोगों ने कल देखा था कल एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था आपको बताया था राम इज ईटिंग एन ऐपल है ना राम इज ईटिंग एन एप्पल तो अब नाउन में क्या था नाउन में तो राम भी दिख रहा है और या एप्पल भी दिख रहा है तो ये हो गया सब्जेक्ट बताया था आपको अब यहां पर तो आपके पास में वर्ड है प्रोनाउन के तो अब काम आई हैव अ चॉकलेट बार तो मेरे पास चॉकलेट बार है तो किसके पास है सेंटेंस में हम पूछेंगे तो किसके पास आंसर मिला आई के पास मेरे पास में तो ये हो गया सब्जेक्ट यू हैव एन आइसक्रीम है ना आपके पास क्या है आइसक्रीम है तो अब इसमें यू क्या हो गया डूअर हो गया एक्शन का तो ये यू हो गया सब्जेक्टिव केस ही हैज अ केक अगर मैं कहूं राम हैज अ केक राम क्या है नाउन है यहां पे मैं कह रहा हूं ही हैज अ केक यानी राम के पास में केक है तो अब यहां पे ही क्या हो गया प्रो नाउन सब्जेक्टिव में ठीक है ना यही बात है तो आई अकेले के लिए वी दो जनों या बहुत सारों के लिए ही उस लड़के के लिए शी उस लड़की के लिए यू तुम्हारे लिए दे उन सब के लिए इट जानवर के लिए चीज़ के लिए गॉट इट तो ये यूज़ किया जाता है ठीक है ऐसे यूज़ किया जाता है हाँ कन्फ्यूजन में मत पड़ा करो कैसे यूज़ करना है कैसे करना है क्या होगा बताए नाउन में जब समझाया है तो प्रोनाउन में भी वही है लेकिन बस सेट ऑफ वर्ड्स का उसमें डिफरेंस है नाउन में तो कुछ भी वर्ड आ सकता था है ना कोई भी नाउन वर्ड आ जाएगा लेकिन प्रोनाउन में तो आपको पता है वर्ड्स एक साथ सेवन वर्ड्स नहीं है उन सेवन वर्ड्स का यूसेज करना है तो लर्न इट सेवन वर्ड्स याद करने में कितनी दिक्कत लगती है कोई दिक्कत नहीं है आई वी यू ही शी इट दे आराम से याद हो गए इसमें क्या याद करना है आई वी यू ही शी इट ठीक है ना कैसे याद करोगे कैसे याद करोगे It, दे ठीक है ना ऐसे एक्शन से याद कर लो मैंने भी ऐसे ही याद करा था मैं कैसे याद करूं कैसे याद करूं मेरे को अच्छा ये तरीका सही है आई वी है ना वी यू ही शी इट दे ठीक है ना तो हमने ऐसे याद कर लिया किसको? सब्जेक्टिव केस को किसके उन के ब्रोनाउन के ठीक है ना तो ब्रोनाउन को हमने कैसे याद करा इस तरह से याद याद करा। तो subjective case याद समझ में आ गया। objective case समझा अब मैं, हमने नाउन में भी objective case देखा था। जब नाउन आ रहा था यहाँ पे जब noun आ रहा था, तब तो हमने क्या देखा था ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा था सेंटेंस के बाद में एक्शन करने के बाद में है ना वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाते हैं उसका सेट ऑफ वर्ड्स है तो मी यू हिम हर इट आस यू आई गया डेम आ गया एंड हुम किसको दो ऑब्जेक्टिव केस इज यूज वेन समथिंग इज बींग डन टू समन जब कोई काम किसी के द्वारा या किसी के लिए किया जाता है तब हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं जैसे गिव द चॉकलेट टू मी प्लीज तो अब चॉकलेट दो लेकिन किसको दो मुझे दो गॉटेड तो किसको दोगे मुझे दे दो प्लीज तो इसलिए अब ये आय जो था किस में आ गया ऑब्जेक्टिव केस में मी बन के आ गया वाई शुड आय गिव इट टू यू तो आय अभी क्या है सब्जेक्टिव केस है इट टू यू तो अब यह क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया प्लीज शेयर इट विथ ऑल ऑफ अस हम सबके साथ में शेयर करो तो अस क्या हो गया वी से बना वी से क्या बना अस बना उसका ऑब्जेक्टिव केस और यह क्या बना ऑब्जेक्ट बन गया ठीक है ना तो सेंटेंस के जो एंड में आएगा और हमें पता लगे कि किसी ने किसी के लिए कुछ किया है गॉट इट तब वो क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ दी सेंटेंस बन जाता है इस तरह से बन जाता है समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव तो केस समझ में नहीं आया अब समझ में आ गया है ना तो आई का क्या बनाया आय का क्या बनाया मी आय का क्या बना मी मेरा वी का क्या बना अस है ना यू का तो आपने क्या देखा यू हीरा ही, ही का क्या बना दिया आपने ही वह उसका है ना हर का शी, आ, शी का हर इट का एट ही रहता है देखा क्या हो गया देम. ना तो अब मैं बोलूं कि यह उसको दे दो गिव इट टू हिम गिव इट टू हिम क्या हो गया आप लड़ाई कर रहे हो मम्मी कहती है कि तुम रिमोट किसको दे दो उसको दे दो अपने भाई को दे दो तो गिव दी रिमोट टू हिम तो आप उसको दे दो तो आपने क्या लगा दिया हिम वर्ड लगाया बाद में लगाया तो कोई चीज किसी को दी जा रही है कोई एक्शन हुआ जा रहा है खत्म हो रहा है एक्शन किसी के साथ में तो हमने क्या लगाया Him word लगाया, इट अब हो गया है ना, ना? उनके साथ में जाओ गो ना? आपके दादा दादी या नाना नानी बाहर जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए तो मम्मी कहती है जाओ आप भी उनके साथ में जाओ तो उनके साथ में जाओ तो गो विथ देम तो आपने क्या लगाया उनके साथ में जाओ तो आपने क्या यूज करा देम वर्ड यूज करा तो ये ऑब्जेक्टिव केस यूज करा ठीक है ना तो ये सेट ऑफ वर्ड था सब्जेक्ट में सेट ऑफ वर्ड्स है किसका ऑब्जेक्ट में ये याद करना है, बस याद करो इनको इनका अप्लाई करो ठीक है ना देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे यूज करना है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर गॉट इट आगे बढ़ते हैं अब जानते हैं पजेसिव को किसको जानेंगे हमने हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ लिया हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिया अब हम पढ़ रहे हैं पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन केस पजेसिव केस बताता है कि कोई चीज किसी की ओनरशिप है किसी के पजेशन में किसी की अपनी है ठीक है ना जैसे मैं बोलूं कि आ, ये पैन मेरा है है ना यह मेरा पेन है क्या बोल रहा हूं यह पेन मेरा है मैंने क्या बोला तो मैं क्या बोलूंगा दिस पेन इज माइंड तो अब ये माइंड क्या बन गया माइंड वर्ड क्या हो गया माइंड वर्ड हो गया पजेसिव प्रोनाउन ठीक है ना मैं बोलूंगा कि यह फुटबॉल तुम्हारी है है ना ये फुटबॉल तुम्हारी है तो दिस फुटबॉल इज योर्स तो तुम्हारी लिए क्या लगा दिया योर्स तो ये पजेसिव हो गया कि है फुटबॉल लेकिन किसकी है पजेशन है किसी का तो तुम्हारा पोजेशन है ये पेन है इस पर पजेशन किसका है मेरा पजेशन है ठीक है ना और मैं बोल दूं कि आ, ये है उसकी ड्रेस है ठीक है ना ये उसकी ड्रेस है तो दिस ड्रेस इज हर गॉट इट अगर आप ये लगाते हो दिस इज हर ड्रेस अगर आपने ये यूज कर लिया तब तो यह हो जाता है ऑब्जेक्टिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है पजेसिव ऑब्जेक्टिव बन जाता है अगर आप ये करो दिस इज माई पेन अगर आप बोलोगे दिस इज माई पेन तो माई पेन वर्ड हो गया एडजेक्टिव गॉट इट अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जो माइन योर्स हर्स इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं प्रोनाउन के उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी के साथ में आने की वो इंडिपेंडेंटली आते हैं लेकिन एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत पड़ती है और नाउन के साथ में ही वो आते हैं गॉट इट ये चीज ध्यान रखना हा हां आ जाओ हाँ बनाओ सेंटेंस अब सेंटेंस बना के दिखाओ मुझको मेक सेंटेंसेस कौन सेंटेंस बनाएगा पजेसिव के हा मुंबई इज अनिल होम एंड दिल्ली इज आर्स किसका हमारा है ना मुंबई अनिल का घर तो मुंबई है और हमारा घर कहां है दिल्ली है ठीक है ना तो आर्स ने क्या कर दिया होम को रिप्लेस कर दिया आर होम को कर दिया अब सेंटेंसेस सेंटेंस बना के दिखाओ कुछ इसके तो अब हमने क्या देखा ये अगर प्रोनाउन है आय अगर हम पॉजिटिव केस की बात करेंगे तो क्या बनेगा आय का, का? माइन ठीक है ना का आर्स यू का योर्स तुम्हारा है ना मेरा हमारा तुम्हारा फिर ही का हिज शी का हर्ज उसका है ना इट का कुछ भी नहीं गॉट इट दे का देअर्स ठीक है ये याद कर लो इस चीज को याद कर लो गॉट इट ये याद करोगे देन ओनली यू कैन मेक इट तभी आप इसको बना पाओगे तो इन सब चीजों को याद करना है अभी हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा था ऑब्जेक्टिव केस में भी कुछ सर्टन वर्ड्स थे सब्जेक्टिव केस तो आपको पता ही सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं वो के वो सब्जेक्टिव केस है तो उसमें टेंशन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस के अपने वर्ड्स को याद करना और पॉजिटिव केस के अपने वर्ड्स को इन सबको आपको क्या करना है याद करना है तभी आप इसको आराम से यूज कर पाओगे ठीक है ना हाँ गॉटेट ओके हाँ थम्स अप दो मुझे तो पता लगे कि हाँ सही बता रहे हैं सही समझ में आ गया सर नहीं आया तो मुझे पता लगे और क्या समझ में किसी को नहीं आया हो तो प्लीज आर्स में मुझे पूछो तो मैं समझाऊंगा आपको गॉटेट हाँ बेटा आर्स लगाओ दिस फुटबॉल टीम इज आर्स ओ यू आर एस लगाओ बेटा क्या लगाओगे सचिन हाँ और लगाओ आर्स लगो। hmm, लगाओ क्या लगाओगे बेटा हम्म आर्स क्या लगाओगे आर्स लगाओगे हम्म हाँ बेटा नहीं आ, मोहित गलत है मोहित य, दिस इज दिस कार इज योर्स क्या लगाओगे बेटा ऐसे लगाओगे दिस कार इज है ना अकेले लाओगे अगर योर हो जाएगा योर कार तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा वो दिस इज योर कार हो जाएगा एडजेक्टिव गॉट इट हम हाँ। बेटा यही तो बता रहा हूं अध्ययन क्या बता रहा हूं मैं आपको देखो क्या बता रहा हूं दिस इज माई होम है ना दिस होम इज माइ दोनों को पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा नहीं लग रहा ना कि ये मेरा घर है ये घर मेरा है बात एक जैसी है दोनों में पजेशन आ रहा है पजेशन क्या बताता है कि आपको उसके ऊपर अधिकार है तो घर किसका है आपका है यह पता लग गया लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है कि जब एडजेक्टिव वर्ड आएगा ना एडजेक्टिव वर्ड वो नाउन के साथ में आएगा बिना नाउन के नहीं आएगा गॉट इट लेकिन जो वर्ड है प्रोनाउन का वो अकेले आएगा कैसे आएगा अकेले क्योंकि वो ना, वो नाउन की जगह आ रहा है ना नाउन को प्लेस करके आ रहा है उसको जरूरत नहीं पड़ रही ना उनके साथ में तो यही डिफरेंस आपको याद रखना है गॉट इट हाँ अच्छा बेटा ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है हाँ बेटा अपोस्ट्रॉफे मत लगाओ इसमें अपोस्ट्रॉफे लगेगा ही नहीं अपोस्ट्रॉफे वाला वर्ड है ही नहीं कोई भी गॉट इट तो जिनको भूला मत करो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हो आप लोग ठीक है ना हाँ रिलेशनशिप बता दें आई बॉट माई यंगर सिस्टर टू द पार्टी एंड सीता बॉट हर्स टू तो हर्स आ गया तो यहां पे माए तो क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया मेरा छोटा भाई है ना यंगर सिस्टर मेरी छोटी बहन और क्या है हर्ज होगी प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन गॉट इट ये चीजें ध्यान रखना और यहां पे माय हो गया पजेसिव एडजेक्टिव इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ठीक है इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ठीक है हाँ वेरी गुड ठीक है तो क्या क्या है? से सिंगुलर के माइन योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देर्स. है ना तो ये चीजें हम ध्यान रखते हैं प्लूरल में है आर्स योर्स और देयर्स ठीक है ना ये चीजों को ध्यान रखना हमें गॉट इट हाँ इसमें ये नहीं आएगा इसमें इसको भूल जाओ ये आता नहीं है ठीक है ना और योर्स नहीं आएगा ये चीजें देखना द्यान माइन हर्स, हिज और बस इतना ही आएगा इसमें आएगा क्या पढ़ा आज की क्लास के अंदर क्लास के अंदर स्पेशली बात किया जाना कि जो प्रोनाउन वर्ड होता है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है नाउन बड़ा भाई है थक गया काम कर करके प्रोनाउन क्योंकि ब्रो है ना ब्रो है, ब्रो है ब्रो आता है अब आपका आप काम करो आपका भैया आएगा छोटा या बड़ा जो भी आएगा वो कहेगा कि भैया दीदी आप थक गए होगे आपकी जगह मैं काम कर लेता या वो थक जाए तो आप क्या बोलोगे कि चल हट मैं तेरी जगह काम कर लेता हूं कर लेती हूं तो आपने क्या करा भाईचारा दिखाया ठीक है ना एक दूसरे को तो वैसे ही प्रोनाउन करता है प्रोनाउन कहता है कि नाउन आप थक गए होगे आप हटो मैं आपकी जगह काम कर लेता हूं नाउन कहता है ठीक है बेटा कर ले तू भी काम ठीक है तो फिर प्रोनाउन काम करता है काम करेगा 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 अब क्या होता है प्रोनाउन के साथ सबसे अच्छी बात है कि इसके पास सेट ऑफ वर्ड्स है सेवन वर्ड्स आ गए उनका यूसेज करना है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी सिंपल यूज करना है पॉजिटिव केस के अंदर भी सिंपल सर्टन वर्ड्स हैं उनका यूसेज करना है और ये फ्री हो जाता है ठीक है ना तो इन वर्ड्स को यूज करना है अब आपको संडे के लिए आपके लिए क्या टास्क है आपके लिए एक ही टास्क है कि आप इन वर्ड्स को याद करोगे एक टेबल बनाओगे अपनी रफ कॉपी में या जो भी आप कॉपी यूज कर रहे हो उसके अंदर उसमें लिखोगे सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस और उसके बाद कुछ कुछ सेंटेंसेज बनाओगे पजेसिव एडजेक्टिव में आप कंफ्यूजन में मत एडजेक्टिव क्या एडजेक्टिव वर्ड क्या करता है एडजेक्टिव वर्ड हमेशा साथ में नाउन को लाएगा ठीक है ना साथ में नाउन आना चाहिए उसके और प्रोनाउन में नहीं आता ठीक है ना प्रोनाउन के साथ में वर्ड नाउन वर्ड साथ में नहीं आएगा इतनी सी बात को आपको जानना है यूज करना है। चलो ठीक है मिलते हैं जल्दी तब तक आराम से पढ़ाई करो बदमाशी कम करो हां सर क्या नेत्रा क्या समझ में नहीं आया बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको ये बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया हम्म रिलेशनशिप तो रिश्ता बता रहा है ना अभी तो आपको समझाया कि दिस पेन इज माइंड तो रिश्ता नहीं बताया क्या कि पेन किसका है मेरा पेन है तो मेरा रिश्ता हो, हो गया इस पेन से मेरा पोजेशन हो गया उसके ऊपर गॉट इट तो दिस इज सिस, दिस सिस्टर इज हर्स दिस सिस्टर इज हर्ज तो ये किसकी बहन है रिश्ता किसके साथ हुआ उसके साथ में हुआ कि यह उसकी बहन है ठीक है ना तो ये पजेशन रिश्ता यही तो बताने के लिए बता रहा हूं कि ये इसके साथ में करेगा इट हाँ बेटा पजेसिव कैसे समझ में नहीं आया वापस जब अब आएंगे तब हम उसको रिजॉल्व करेंगे इट हाँ चलो तब तक के लिए हादसा टेक केयर बाय जय हिंद Shahriya Bharat Senic School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of post-building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Senic School, Military School, RIFC, NDA, CDS, FTAFs, and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our Shari Bharat is empowered by a strong and efficient PV tech support keeping in sync with future education needs. Shari Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last two years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Senec School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since the last five years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life.

अब उनके मन में एक डर सता रहा है एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सपताना देंगे मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आर की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटेटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट लिए स्पेशली डिजाइन है